हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फॉर एन आइडियल गैस कंसिडर ओनली पी वी वर्क इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एक्स टू फाइनल स्टेट जेड. द फाइनल स्टेट जेड कैन बी रीच्ड बाय ईदर ऑफ द टू पाथ्स शोन इन द फिगर. टेक डेल्टा एस एज चेंज इन एंट्रोपी एंड डब्ल्यू एज वर्क डन. विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस आर करेक्ट. तो हमें क्वेश्चन में एंट्रोपी चेंज एंड वर्क डन के लिए रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हियर विल बी पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन. तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट में हमें एंट्रोपी चेंज का रिप्रेजेंटेशन गिवन है. एंड एज वी नो एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी इट इज अ स्टेट फंक्शन. दैट मींस ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट इज एक्स एंड जेड के ऊपर ये डिपेंड करेगा. तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन गिवन है दैट इज एक्स से जेड जो है वो किसके इक्वल है, एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड. पाथ कोई भी फॉलो करे लेकिन ये सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे. तो हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है. नेक्स्ट है जो वर्क डन है एक्स टू जेड, जो वर्क डन है इट इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड. तो अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क कैसा फंक्शन है, ये एक पाथ फंक्शन है. दैट मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ. तो अगर हम बात करें वर्क डन की, तो एक्स टू जेड, एक्स टू जेड के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इट इज पी डेल्टा वी. तो अगर हम बात करें, या फिर वर्क जो है दूसरे फॉर्मूला से निकलता है, वर्क डन अंडर पी वी कर्व, पी वी कर्व. तो एक्स टू वाई, सॉरी एक्स टू जेड के लिए जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो इतना एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा. अगर एक्स टू वाई बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आई विल यूज ब्लू कलर, तो इतना एरिया हो जाएगा. एंड अगर हम वाई टू जेड बात करें, तो वाई टू जेड में जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मींस जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो. तो हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो वाई टू जेड वाला जो वर्क डन है ये जीरो है, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है. एंड जो वर्क डन जो है एक्स टू जेड, एक्स टू जेड वाला जो एरिया है वो इक्वल नहीं है टू एक्स एक्स टू वाई वर्क डन एंड वाई टू जेड वर्क डन. तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट है, सो जो एक्स वाई एंड जेड का जो एरिया है, ये जो वर्क डन है इट इज इक्वल्स टू वर्क डन अंडर एक्स टू वाई. तो ये वाला जो एरिया अगर हम ऑब्जर्व करें एक्स टू वाई के लिए एंड एक्स वाई जेड के लिए, ये वाला जो एरिया है इट इज इक्वल, दैट इज वाई जो वर्क डन है ये भी इक्वल होगा. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, तो एंट्रोपी जो है फॉर एक्स वाई एंड जेड, एंट्रोपी फॉर एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ एक्स टू वाई के लिए हमने, हमारा क्या ऑप्शन आया था, सॉरी इसको मैं इसको क्लियर कर देते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर. क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई एंड जेड के लिए जो एंट्रोपी है इट इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ एक्स टू वाई. तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, बिकॉज जो एंट्रोपी चेंज है वो डिपेंड करती है फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन पे, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, इट इज ऑप्शन ए एंड इट इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.